तो आप लोग हमको पढ़ाने नहीं दीजिएगा। सारे बच्चे का वीडियो ऑन रहेगा, जो नहीं लिख पाए बाबू आधा घंटा टाइम दे दिए आप लोग को, है ना। अब थोड़ा ग्रुप से लिख दीजिएगा, ग्रुप में भेजा हुआ है। जो बच्चा ग्रुप में नहीं ज्वाइन बाबू नंबर देना, ज्वाइन कर देंगे, है ना। ठीक, अब शांति से सुनना है। देखो क्या पढ़ा रहे हैं सर आपको बाबू, न्यूमरेशन पढ़ा रहे हैं। न्यूमरेशन क्या होता है सर? किसी भी नंबर को बाबू वर्ड में लिखा जाता है। जैसे क्या सर? जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखते हो, तो बाबू क्या नंबर है? 1 2 3 4 क्या नंबर है? अब इस नंबर को कहेगा वर्ड में लिखो, इसको कैसे पुकारोगे? 1 2 3 4 नहीं, इसको वर्ड में। तो वर्ड में बाबू दो तरह से लिखते हैं, टू वेज से। कौन कौन सर? एगो इंडियन स्टाइल में बाबू, एगो इंटरनेशनल स्टाइल में, है ना। दो स्टाइल में हम लोग लिखेंगे किसी भी नंबर को बाबू, वर्ड को कैसे? दो स्टाइल में। कौन से दो को? फैशन है सर, है ना। कैसे आप लोग का फैशन रहता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो उसी तरह से सौम्या सैतान नंबर को दो स्टाइल में लिखा जाता है हम लोग का। तो नंबर को वर्ड में जब लिखेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूमरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमरेशन कहेंगे, है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इसको दो स्टाइल में लिखेंगे, दो सिस्टम में। स्टाइल बोलो सिस्टम बोलो, है ना बाबू। एक होता इंडियन सिस्टम, तो प्रियवस बाबू 2 3 क्लास आपको हमने बताया है कि इसको इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे। जहां पे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो इसको इंडियन सिस्टम में कैसे वर्ड में लिखोगे? कैसे करते हैं? 1234 करते हैं, यही ना इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। हाँ सर, शांति से सुनते चलना है, खाली कहानी। एक सेकेंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम, विदेश वाला, अमेरिका वाला, ब्रिटिश वाला, है ना, वो सब अदर कंट्री वाला सिस्टम। तो ये अभी जो नंबर का न्यूमरेशन है कौन से सिस्टम में है? इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। उसके बाद हम लोग बाबू दोनों में सीखेंगे। इंडियन वाला सीख गए ना, फिर भी आगे क्वेश्चन करेंगे तो मिक्स करके करेंगे, है ना। ठीक बाबू, ये स्वाम वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो रिमूव कर देंगे। स्वाम ऑन करो बाबू, वीडियो बंद नहीं होना चाहिए, है ना। आकांक्षा ऑन करो। तो ये कौन सा है सर? इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में जैसे हम लोग सीखे थे ना सर, वंस होता था। वंस के बाद बाबू, वंस में जैसे बाबू क्या होता था? आप यूनिट यूनिट लेते हैं, इंडियन सिस्टम में यूनिट लेते हैं सर, टेंस लेते हैं सर, और फिर 100 लेते हैं सर, और फिर 1000 लेते हैं सर, फिर 10,000 करते हैं बाबू, फिर लाख करते हैं, और फिर बाबू 10 लाख करते हैं कि नहीं? 10 लाख करते हैं। लिखना नहीं है, खाली समझना। 10 लाख के बाबू क्या होता है? बाबू लाख के बाद क्या होता है? करोड़ होता है। करोड़ करते हैं सर, 10 करोड़ करते हैं सर, यही करते हैं ना बाबू। अब फिर 10 करोड़ के बाद क्या करेंगे? अरब करेंगे, 10 अरब करेंगे। तो हम लोग यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, है ना बाबू, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करते हैं इंडियन में। इंटरनेशनल में लाख करोड़, है ना, अरब खरब कुछ नहीं चलता है। इंटरनेशनल का अलग स्टाइल है। जैसे हम लोग इंडिया में, तो हम लोग का स्टाइल बाबू कपड़ा का स्टाइल अलग है। धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, है ना, होली में पहनते हैं ना जी धोती कुर्ता, ठीक है ना बाबू। इंटरनेशनल का अलग स्टाइल है, इधर कट इधर कट, छोटा छोटा के नहीं बोला, है ना। तो यही है बाबू, अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं? इंटरनेशनल वाला सीख रहे हैं। जहाँ मेरा मेरा इतना सारा बच्चा है, मान लो कोई बच्चा विदेश चल गया, अमेरिका चल गया, तो वहां क्या करेगा? लाख, 10 लाख करेगा। तो बाबू है ना, वो सब को ऐबे नहीं करता। मेरा बच्चा है ना अमेरिका चल जाएगा, तो वहां क्या करेगा? 1,000, मिलियन, बिलियन, है ना, ऐसे करेगा। लाख, 10 लाख, करोड़, अरब खरब बाहर में नहीं होता है ना। तो आप विदेश जब जाओगे बाबू, तो वहां पे कोई नंबर आ जाएंगे, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ो वहां पे? 1,000, मिलियन, बिलियन, है ना, इस तरह से। वहां पे मिलियन चलता है, बिलियन चलता है, हम लोग के यहाँ लाख चलता है, करोड़ चलता है, अरब चलता है, खरब चलता है, वहां बिलियन चलेंगे, मिलियन चलेंगे, ट्रिलियन चलेंगे, ऐसे करके चलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? विदेश में। कहाँ बाबू? विदेश में। तो है ना बाबू, स्वस्तिका, ठीक सर। तो देखो जैसे हम लोग है उसी तरह से बाबू, वंस में बाबू तीन आएंगे, यूनिट, टेंस, 100,
अब बाबू जैसे हम लोग का थाउजेंट होता तो थाउजेंट होता है, 10,000 होता। हम लोग का बाबू इंडियन में थाउजेंट होता है, 10 तो दुई गुना होता। यहाँ थाउजेंट बाबू तीन आपका वर्ड आएंगे, थाउजेंट, 10,000, 100,000 है ना। थाउजेंट के अंदर बाबू हम लोग का ये दो आता, थाउजेंट होता सर, 10,000 उसके बाद चेंज हो जाता है ना। 10,000 के बाद क्या जाता है, लाख में जाते हैं। यहाँ पे बाबू तीन तीन आएंगे, फर्स्ट वंस में बाबू तीन यूनिट होगा, यूनिट टेंस 100 है ना। थाउजेंट में भी 10 बाबू तीन आएगा, थाउजेंड, 10,000, 100,000। उसी तरह से मिलियन में आएंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में आएंगे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ट्रिलियन में आएंगे है ना, ट्रिलियन है ना, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। हम लोग के बाबू दो के बाद चेंज हो जाता है, 10,000 के बाद लाख हो जाते हैं। यहाँ 10,000 के बाद 100,000 होता, 100,000 के बाद आपका मिलियन आएगा। तो मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन है ना बाबू, 100 मिलियन। इसमें आपको जो इंटरनेशनल उसमें 100 वाला एगो है ना ज्यादा आता, 100 का क्या आएगा, एगो ज्यादा आएगा ना। उसके बाद आपका बाबू क्या आएगा है ना, सारे में एक एक 100 जुटेंगे। हम लोग का 10 होता है, 1,000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, 10 अरब होता है। ये सब कोई से नहीं होता, ये सब को 1,000 होगा, 10,000, 100,000 होगा, फिर मिलियन होगा, 100, 10 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, बिलियन होगा है ना बाबू, 10 बिलियन होगा, 100 बिलियन होगा, ऐसे करके होता है ना। ठीक, तो इसका कैसे वर्ड में हम लोग लिखेंगे वही सीखेंगे, इंटरनेशनल वाला, इंडियन वाला सीख गए, अभी कौन सा सीखेंगे, इंटरनेशनल का सीखेंगे है ना। भोला बाबू गणेश, ठीक, बैकग्राउंड बाबू काहे लगाई ले जी गणेश, ठीक सर। तो देखो यूनिट मतलब क्या, वंस, ये 1,0 क्या होता है, टेंस होता है, ये तो इंडियन है सर, तो टेंस लिखे बाबू चाहे 10 के ऊपर में 1 2, ये दोनों सेम है। तो ये एक्सपोनेंट वाला थोड़ा सा बाद में सिखाएंगे, थोड़ा सा और अभी बेसिक का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो एक्सपोनेंट सिखाएंगे है ना। ठीक बाबू, बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ अंशराज, चलो कोई दिक्कत नहीं, शांति से सुनना अंशराज बाबू है ना, हो ही नहीं बाबू है ना, आके एक बार देखना पड़ेगा बाबू, हो सकता है मोबाइल अभी आपका म्यूट नहीं होगा अंशराज, आपके नंबर पे बाबू भेज दिया गया है इसको है ना अंशराज, ये जो भी अभी लिखा है वो भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ग्रुप में भेज दिए और आपको भी भेज देते हैं भोला अंशराज। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है बाबू है ना अंशराज, मम्मी भेज दिए भोला, बाकी आके एक दो बार आपको दावा दे देंगे तो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग कहाँ सर, वंस, वंस में वो तीन वर्ड आएंगे, यूनिट, टेंस, 100, यूनिट में 1, टेंस में बाबू 10 मतलब 10, और 100 में 100। उसके बाद 1,000, 1,000 पे 1 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो। अब बाबू इंडिया में क्या होता है, 10,000 के बाद क्या होता है, लाख होता है। इंडिया में 10,000 के बाद क्या होता है, लाख होते, लेकिन विदेश जाओगे अमेरिका तो वहां पे लाख नहीं कहेगा, 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000 आएगा। मेरा बच्चा मान लो अमेरिका चल गया है ना, फ्लाइट पकड़ा अमेरिका चल गया, सब इसमें जगह करेगा बाबू है ना, चूंकि सब टैलेंटेड है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो सब फॉरेन जगह करेगा, तो वहां पे हमारा बच्चा लाख, 10 लाख नहीं बोलेगा, वहां पे मेरा बच्चा जाके क्या बोलेगा, 1,000, 10,000, 100,000, बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे करके बात करेगा है ना, फुल्ली इंग्लिश में। तो वही बाबू जब आप विदेश जाओगे तो वहां पे वो चीज आपको अब ये सिखा देते हैं, ताकि बड़ा होके बाबू मेरा बच्चा क्या करेगा, टेंशन नहीं होगा है ना। तो 100,000 में कितना सर, 10 पे बाबू, 1 पे कितना जीरो, 5 जीरो है ना। वो उसके बाद बाबू 1,000 में, 100,000 के बाद कहा जाएगा, मिलियन आएगा है ना बाबू श्रेया, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन में बाबू कहेगा कितना, 1 पे 6 टाइम्स 0, मिलियन में बहुत याद है, देखते हो आप लोग यूट्यूब देखोगे तो केकरो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होल रहता है, केकरो 2 मिलियन, केकरो 3 मिलियन है ना बबू। अब मेरा अभी तक सब्सक्राइबर्स हजारों में नहीं हुआ, क्योंकि बबू उस पर हमको फोकस नहीं करना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं करना है ना बबू, इसीलिए बबू हम लोग जो रिकॉर्ड करते सारा दे देते, उस पर हमको काम नहीं करना, जब सब्सक्राइबर्स पे काम करेंगे तो फिर आप लोग का ग्राफ डाउन हो जाएगा पढ़ने में, चूंकि आप तो फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए उधर हम लोग छोड़े हुए है ना। पहले आप लोग जो बच्चे वो सब पढ़ने में तेज हो जाएगा, तो अपने वो सब हम सब्सक्राइबर हो जाएगा, इसलिए उस सब पे कोई ध्यान नहीं, सब्सक्राइबर वाले है ना। तो आप लोग देखोगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है ना बाबू, तो वही वाला मिलियन है, तो वहां जो सब्सक्राइबर्स होता है ना उसमें विदेशी भी रहता है, अमेरिका का भी रहता है ना, इंग्लैंड वाला भी रहता है, इसीलिए बाबू है ना वहाँ सब्सक्राइबर देखो बाबू तो मिलियन में रहता है ना, 1 लाख है ना बाबू, करोड़ में नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं,
यानी वहां पे मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख होता है, सारा हम लोग सीखेंगे। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बात सीखने के लिए है ना सर। ठीक, तो 1 मिलियन में कितना जीरो? 1 पे 6 जीरो, देखो 2, 4, 6। 1 मिलियन के बाद कितना आएगा? 10 मिलियन। ये कहाँ है? विदेश वाला है। कौन वाला है? विदेश वाला है, इंडिया वाला नहीं है। इंडिया वाला पढ़ लिया अंशराज, है ना, समझते समझते चला अंशराज। तो हो गया 10 मिलियन। 10 मिलियन में कितना सर? 1 पे 7 जीरो, इस पे काउंट करोगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 100 मिलियन में कौन सा सर? 100 मिलियन में 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वो बिलियन, मिलियन को 100 मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और उसके बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, है ना बाबू, फिर 100 ट्रिलियन, ऐसे करके होता है ना। हमको आधा समझ में आया सर, आधा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते बाबू और उसको समझना। तो मेरा बच्चा तो इंडियन वाला पढ़ लिया, तो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको वर्ड में लिखना, तो इंडियन में भी लिखेंगे और इंटरनेशनल में भी लिखेंगे, दोनों साथ साथ लिखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। ठीक, कुछ क्वेश्चन दे रहे, छटपटाना नहीं, कहा छटपटा रहे सुरभि। ठीक, जैसे क्या सर? राइट डाउन द गिवन नंबर बाबू इन वर्ड। क्वेश्चन क्या बाबू? क्वेश्चन बाबू क्या बोला? राइट डाउन, है ना, हमको समझ में नहीं आया। ठीक, तो अब यहाँ पे समझना है। देखो बाबू, किसी भी इंडियन में हम लोग नंबर डेसिमल कैसे पुट करते थे, शांति से समझना। हम लोग बाबू इंडियन सिस्टम में, मान लो कोई नंबर है सर, अभी लिखना नहीं, 9 6 9 8 3 2 5। अब कहेगा इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे पुट करते थे? कॉमा कैसे? पहले 3 डिजिट के बाद और उसके बाद 2 डिजिट के बाद, ऐसे पुट करते थे ना, है ना सर। लेकिन इंटरनेशनल में कॉमा कैसे पुट करेगा, कैसे पुट करेगा? तो इंटरनेशनल में तीन कितना कितना का ग्रुपिंग है? 3 का ग्रुपिंग है। देखो पहला वंश में 3 बाबू, 3 है ना जी, वंस में कितने? 3 यूनिट 10 100। फिर बाबू 1000 में कितना? 3 है, 1000 10000 100000, मतलब हर एक सफिक्स में बाबू 3 3 है, कितने हैं? 3 3 है। तो बाबू इंटरनेशनल में कॉमा पुट किया जाता है ना, तो एवरी 3 डिजिट के बाद पुट करेंगे, यह ध्यान देना। इंडियन में हम लोग जो कॉमा पुट करते हैं, पहला 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। इंटरनेशनल में जो कॉमा पुट करो, जैसे मान लो इसको इंटरनेशनल में लिखना है 9 6 9 8 3 2 5, शांति से सुनना, नहीं तो नहीं समझो। मैक्सिमम जानते हो 7 8 वाले को, बच्चे को भी सब नहीं आता, इंडियन इंटरनेशनल कंफ्यूजन होते रहता है ना, तो हम लोग सीखते चलेंगे। इंटरनेशनल में कॉमा कैसे पुट करेगा? 3 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट, फिर 1 2 3 डिजिट के बाद पुट करेंगे। इंडियन में पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, इंटरनेशनल में पहले 3 डिजिट, हर एक के बाद 3 3 डिजिट के बाद, 3 3 में, है ना। ठीक, तो आपको हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको पहले सिखाते हैं लिखना नहीं है, है ना, कैसे नंबरिंग करेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको कैसे न्यूमरेशन करेंगे बोर्ड में लिखेंगे। तो इंडिया वाला तो सिखा ही दिए, फिर भी जो जो नहीं सीख पाया है एक बार और सिखा देते हैं, है ना। तो दोनों साथ में कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक सर, तो वही लिखल है, राइट डाउन द गिवेन नंबर, राइट डाउन द गिवेन नंबर। नंबर को कैसे लिखना? नंबर बाबू, राइट डाउन द गिवेन नंबर इन इन बाबू इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन, इन इंडियन एंड इंटरनेशनल, है ना। तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन, जैसे क्या सर? पहले समझना, लिखोगे सरस्वती जी आपके ऊपर बाबू बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तुरंत दम, सरस्वती जी कुछ नहीं देखते हैं भोला, सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट, पहले समझ लो उसके बाद लिखते रहना। ए नंबर, जैसे 9 8 बाबू, मान लो 4 7 6 है ना। अब इसको कह रहा सर इंडियन सिस्टम में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, कैसे करेंगे? देखो दोनों साथे साथे पढ़ते चलना अंशराज बाबू, हवा नहीं पीना बाबू, शैताना रह गया हवा पी रही है। ठीक, निशांत वीडियो ऑन करो जी, वैष्णवी भी है और बाबू है ना, दीति मेरा और कौन को समर्थ भी है, क्या करियो समायरा। ए बाबू, वीडियो ऑन करो जी, बाबा वीडियो ऑन करो, गणेश बाबू ऑन करो।
तेरुल शैतान ऑन कीजिए बाबू, सरभ्य शैतान ऑन कीजिए। ये सब वीडियो बंद करके नाटक के ले रहता है। नेक्स्ट बाबू देखो कैसे लिखोगे जी, समर्थ भोला आकर्ष बाबू, सीखना आकर्ष बाबू, ये सब बाबू आपको कंपटीशन में आएगा। ठीक, तो ये तो सारा मेरा बच्चा लिख लिया। अब ये वाला याद रखेंगे, है ना, इंटरनेशनल यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर वो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, अरे बाबू 100 बिलियन। अगर ये याद नहीं होता तो ऊपर वाले याद रखना, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इतना तो याद रखेगा ना जी। शांति समझो, कैसे वंस इंटरनेशनल कैसे याद रखना, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड में थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर बाबू मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन में मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब आपको इंटरनेशनल वाला और आसान है। कैसे सर, तीन तीन का है ना, तीन डिजिट के बाद कॉमा कर डालेंगे, तो तीन डिजिट में वंस लिखना, अगला तीन डिजिट को थाउजेंड लिखना है, अगला तीन डिजिट को मिलियन लिखना, अगला तीन डिजिट को बिलियन लिखना। समझो शांति से, हमारा कुछ ना समझ में आया, इतना तो सारे बच्चे को याद हो गया सर, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इतना याद करेंगे, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इतना याद हो गया। कैसे याद करेंगे, वंस इंटरनेशनल, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, सबको याद हो गया मेरा सर। अब इसको यूज कैसे करेंगे बता रहे हैं, इतना याद हो गया, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, है ना। हाँ सर, कितना मजा आता है पढ़ने में, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, बस इतना याद हो गया। हाँ सर, जो नहीं लिख पाया वो ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा, है ना। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे नाम कैसे लिखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे नाम कैसे लिखेंगे, याद हो गया, वंस है ना बाबू, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, है ना, सोने के पहले दो बार और फिर उठने के बाद दो बार, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, कि नहीं वो अद्वितीय वैभव, प्रकाश वैभव, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। चलो ठीक सर, ये तो गीत याद हो गया हम लोग को, गीत याद हो गया सर, अभिनव सिंह। हाँ सर, क्या याद किया सर, वंस, थाउजेंड, हाय ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, है ना, इतना तो याद हो गया सारे बच्चे को, समर्थ को भी याद हो गया, वैभव को भी याद हो गया, दीप्तांशु नहीं आया, बहुत जिंदगी जी रही बाबू, इस शैतान मेरा दीप्तांशु है सर, अभी वीडियो ऑन करो जी, लावण्या को भी याद हो गया, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट जी देखो कैसे करोगे, अब इस नंबर को लिखना है सर, 9 8 4 7 6। ठीक ठीक शांति से समझना, जो नंबर दिया हो उसको इंटरनेशनल और नेशनल में लिखना, मेरा बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, इंटरनेशनल में कैसे करेंगे ऐसे करेंगे, पहले समझो उसके बाद लिखना, 9 8 4 7 6 है, तो पहले कॉमा पुट करो, इंटरनेशनल में कितना, हर एक तीन डिजिट के बाद, तो एक दो तीन डिजिट के बाद कॉमा, अब एक बात तो है ही नहीं, तो एक होगा, तो जो पहला तीन होता है बाबू ये किसका होता है, वंस होता है, अभी बताएं, पहला तीन वंस होगा, फिर ये जो दूगा वंस के बाद क्या, थाउजेंड, तो ये थाउजेंड प्लस होगा, ये दूगो क्या होगा, थाउजेंड होगा, आपको अभी हमने याद कराया ना बाबू, वंस है ना बाबू, वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, तो पहला तीन बाबू वंस में जाएगा, आगे वाला जो नंबर रहेगा तीन थाउजेंड में जाएगा, थाउजेंड के बाद तीन 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 का जोड़ा बनाएंगे, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करेंगे, तीन तीन का बाबू ग्रुपिंग करना है। हो जाएगा बाबू, मैक्सिमम को बोलना ना कहीं इंटरनेशनल सिस्टम में लिख के दिखाओ ना, उल्लू जुल्लू नहीं आता है ना, इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे वर्ड में सर, तो ऐसे लिखना, ठीक है, 98 है ना, क्या है, 98 है, तो 98 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, 98 करेंगे,
98 है, 98 लिखे हैं। माथा पे क्या है? थाउजेंड है। 98 का कौन सा प्लेस है? थाउजेंड है, तो 98,000 करेंगे, है ना। आश, इसका काम हो गया। अभी क्या बाबू, वंस है, तो वंस में क्या आता है सर? वंस, टेंस, हंड्रेड आता है, यही आता है ना। तो ये तो जैसे इंडियन में लिख दो, है ना बाबू। ये क्या बाबू, 400, इसको मेरा बच्चा क्या लिखेगा? 400 लिखेगा, है ना। हाँ सर, 476 करेगा, 76 करेगा। हमरा के नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत के बात नहीं है। एगो में नहीं समझेगा, दो में समझेगी साक्षी, दो में नहीं समझेगी साक्षी, तीन में समझेगी, तीन नहीं, चार में ऐसा होगा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, है ना बाबू। समाज समझ जाएगा, वैभव समझ जाएगा, तो सब समझ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आगे देखो क्या लिख रहे बाबू। ये हो गया इंटरनेशनल, हो गया क्या? हो गया इंटरनेशनल, हो गया। हम लोग इंडियन में कैसे लिखेंगे सर? तो इंडियन में क्या करते हैं, पहला बाबू यही बाबू, इंडियनों में ऐसे करें। नंबर कितना सर? 98476 है ना। तो तीन डिजिट के बाद है, उसके बाद दो डिजिट के बाद। तो कुछ कुछ नंबर जो छोटका नंबर है ना, उसका इंडियन और इंटरनेशनल सेम होता, छोटका छोटका नंबर का। इसका बोलो इंडिया में लिखो तो ये भी वन से प्लस होगा, और ये बाबू वंस के बाद क्या होता बाबू आपका, इसमें कहाँ जाएगा? थाउजेंड जाएगा। तो ये दो वो क्या हो जाएगा? थाउजेंड प्लस हो जाएगा, है ना। आगे एक और बताते, उसमें अंतर आएगा आपको। तो इसको कितना लिखोगे? 98,000, ये सेम ही होगा दोनों, 98,476, 400 476। तो इस नंबर का इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम है। अगला का नहीं होगा, अगला थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते। आप लोग लिखो, इतना क्वेश्चन नंबर डाल देना। लेट से कहा था दीप्तांशु, बोला दीप्तांशु लेट में छुट्टी हुआ था। अच्छा, उस हाँ 98,000 होगा, एट छूट गया। कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू श्रेया? 187 अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन पहले और समझिए, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। दुर्गा वीडियो ऑन करो सर, आप 287 होगा, चेक करेंगे। अरे का क्वेश्चन आगे पीछे किसी का हो गया वो अब रहने तो, क्या उसके पीछे सर, बहस। सर आप रफ भी चेक करेंगे? हाँ जी लिखो आंसर। सर आप रफ भी चेक करेंगे? हाँ जी जल्दी लिखिए, लिखो आंसर आज बाबू, पिटाने के लिए। ठीक है, सही था ना, एक बात को पकड़ लेता है। आंसर आज पिटाने के लिए तैयार रहना बाबू, आके एक दिन ढूंढेंगे जी, मम्मी का कंप्लेन है बाबू। कोमल वीडियो ऑन करो जी। अभ्या तिवारी कल सुबह उठ जाओगी जी? अभ्या तिवारी अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची बाबू, बैड गर्ल की गुड गर्ल अभ्या तिवारी। सुबह उठ गई अभ्या तिवारी, गुड गर्ल, नहीं उठी तो बैड गर्ल। अब आप समझो बाबू कौन सा गर्ल आपको बनना है। ओके सर, सर आप कब आएंगे? आएंगे बाबू दुर्गा पूजा में। सर तो हमारे घर कब आइएगा? अच्छा ठीक, वैष्णवी लिखो बाबू,
सर आप बीकानेर आओगे। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो दीप्तांशु, आंसू आरोही को बताया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और शांति से सुनेंगे। कनेक्ट हो गया अंशराज बाबू? थर्ड डीआईवाई। अच्छा ठीक, अंशराज लाइन से कनेक्ट करना है। अंशराज होता क्या है बाबू, मान लो 8 बजे क्लास है, 7 मेरा क्लास बाबू 6 बजे से शुरू रहता था, 7:50 से कनेक्ट करना हो जाएगा, समझे अंशराज? यस सर। हाँ 10 मिनट पहले से कनेक्ट कीजिएगा, क्लास चालू रहता है 6 बजे से, तो दिक्कत है, रुक जाइए, जल्दी लिखो। जिस जिस बच्चे को कनेक्ट करने में दिक्कत होता है आप लोग 10 मिनट पहले से कनेक्ट करो, और कभी इशू होता बाबू ऐसे तो नहीं होता है, अगर किसी के मोबाइल में इशू वगैरह होता है ना बाबू, ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बच्चा बाबू गेम तेम ये वो फलान ढेकान कर करके बाबू मोबाइल हैंग हो जाता है, इसी कारण होता है, लैपटॉप वगैरह में सब इशू कभी नहीं होता। जल्दी देखो, देखो जिस समझ में आएगा वो फिर से हम लोग समझेंगे, रुक जाइए, इतना देरी टाइम नीचे वाला नहीं मिटाइए। जैसे बाबू क्या फोर फाइव सिक्स सर रुकिए ना 2 मिनट प्लीज सर, लिखना है। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो। हाँ सर, सर इंडियन लिख रहे, इंडियन 9 8 4 7 6 डन सर। नहीं डरेगा इतना देखो कोमल, मन से सुनना जी, कहाँ गए कोमल बाबू? देखो सर इतना बड़ा थे, इसको हम लोग दोनों में लिखेंगे, अब सारा बच्चा 5 मिनट शांति से सुनेगा, जय श्री राम, जो जो बाबू लिखेगा तो उसका सरस्वती जी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, पहले शांति से सुनो। ये सब बाबू अपने फ्रेंड से जाके पूछना ना इंटरनेशनल, गड़बड़ आ जाएगा, आपको आसानी से लिखने का तरीका बता रहे हैं, पहले इंटरनेशनल सिखाते बाबू, इंडियन बोला तो मेरा बच्चा जानबे करता, तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन है ना? ठीक सर, डर जाएगा नहीं डरेगा क्या सर? 1 2 3 4 5 6 बाबू अंशराज, और 7 8 9 अंशराज, फिर 6। तो पहले क्या करना, कॉमा पुट कर देना, क्या करना बाबू? कॉमा पुट करना है ना सर? हाँ सर, कॉमा पुट करेंगे बाबू, है ना, क्या करेंगे? कॉमा पुट करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर, क्या करेंगे बाबू? कॉमा पुट करेंगे, 7 8 9 6 तीन तीन का बाबू, एक ही स्पेस देकर लिखो, एक ही जैसा लिखो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6। तो पहले कॉमा मेरा बच्चा पुट करेगा, कॉमा इंटरनेशनल में कैसे पुट करता है? तो कॉमा इंटरनेशनल में बाबू तीन तीन डिजिट पे, 1 2 3 डिजिट पे यहाँ पे कॉमा पुट करेगा अब्दुल तिवारी, 1 2 3 डिजिट के हर एक 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा पुट हो गया, ये इंटरनेशनल में। इंडियन में कॉमा बाबू पहला 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद, इंटरनेशनल में 3 3 डिजिट के बाद, ठीक ठीक बाबू। उसके बाद अभी आपको गीत गा कर याद करवा, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन यही ना गीत गवाए हैं। तो तीन तीन का बाबू ये जो पेयर है भोला, ये क्या है? वंस प्लेस है, ये वंस हो गया, फिर तीन का पेयर बनाओगे तो वंस के बाद क्या थाउजेंड आएगा, है ना? हाँ सर, समझे सर? फिर तीन का बाबू बनाओगे तो थाउजेंड के बाद क्या 1000 मिलियन बिलियन, तो मिलियन हो जाएगा, आई बेचारा को बौधा अकेले बच गया, तो बौधा अकेले तो मिलियन हो गया ना जी, ये बौधा है ना, वन बच गया बाबू, तो वन हो गया, तो ये आपका बिलियन में चल जाएगा। शांति से समझना है, एक बार समझ लेना, नहीं तो बुक वगैरह पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आता मैक्सिमम को, तो ये बच गया, तो कौन सा पोजिशन हो गया? बिलियन हो गया। आपको हमने थोड़ी कुछ बोला बाबू, आपको हमने बोला कि नाम कैसे लिखोगे,
है ना, तो आपको इंटरनेशनल में कहा था तीन तीन का पेयर बनाओ समर्थ, तीन तीन डिजिट के बाद कॉमा, तीन डिजिट के बाद एक वंस होता है, वंस के बाद थाउजेंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यही तो गीत गाना है, वंस थाउजेंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन, वंस थाउजेंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन, वंस थाउजेंड मिलियन बिलियन आगे ट्रिलियन। ठीक, अब इसका नाम लिखो, कैसे लिखोगे, वन है ना तो वन लिखेगा मेरा बच्चा, वन के माथा पे बिलियन तो वन बिलियन करेगा। अब इसको कैसे लिखेगा, तो ये 234 होगा, तीन तीन को कैसे पढ़ोगे, 100 के पोजीशन में पढ़ोगे, तो इसको कैसे पढ़ोगे, ये 200 क्या 34 है, अरे 234 को कैसे पढ़ते, 234 तो 234 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 34 पढ़ेंगे, है ना सर, 234 माथा पे कौन चीज मिलियन, तो 234 मिलियन, कितना आसान है, तीन तीन का पेयर बनाओ आंसर लूटो, है ना। हेलो गुड इवनिंग मैम, अच्छा ठीक है मैम भेज देंगे, ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, तीन तीन का पेयर तक 200 कितना 34 माथा पे मिलियन, एरा कैसे लिखवा, ये 567 है को, कैसे है को 567, अरे ये लिखेगा ना जी, है ना मास्टर, कितना 567 को कैसे लिखेगा 567, मेरा बच्चा अब तेज हो गया, इतना बड़ा कर लेता, 500 कितना लिखेगा इसको, इसको 567 है ना, हाँ सर 67 लिखेगा, तो 567 माथा पे कौन चीज 1000, तो 1000 लिख देगा, कुछ है जी अंदर वाला नाम लिख दो जो माथा पे वो लास्ट में जोड़ दो, बस यही तो है पढ़ाई बाबू, इससे आसान कुछ होता है, उसके बाद एक कर हिसाब किताब, तो 896 हो गया, वंस पे 100 होता तो कितना हो गया 800 ना, 896 हो गया, कितना बड़ा हो गया सर, हम जिंदगी में नहीं पढ़े हैं, है ना, तो लिखो अब आप लोग इसको लिखो मेरा बच्चा मन का सच्चा, ए सौम्या लिखो जी, सौम्या इंडियन सिस्टम, तो इंडियन तो बताएं, थोड़ा बहुत अपने भी कीजिएगा, लिखो बाबू इंडियन खुद करना, सी नंबर 9876543210 बन गया हीरो, डी नंबर 9877665444, है ना, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह तीन चार बारह, है ना, हाँ सॉरी ये आपका दो जो सही सही बना दिया उसको कैडबरी टॉफी, दुकान जाना टॉफी खरीदना, कौन सही सही बना के भेजता है, है ना, मैक्सिमम अपने फ्रेंड सबसे पूछना बाबू, तो उल्लू जुल्लू हो जाएगा, मेरा बच्चा सब बाबू ऐसे ही बना देता है ना, कि नहीं वैष्णवी वैभव।